हम लोगों ने कई आपके सूचकांक देखे जिसमें आपने अपने देश की स्थिति देखी और आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं आसपास के देश उनकी भी स्थिति देखी आप लोगों ने। जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, फिर चाहे चाइना है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान, उसके बाद नेपाल, फिर चाहे आप लोग नीचे जाइए श्रीलंका, आपको इनसे तुलना करने में भी सहूलियत होती होगी। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। एक बात बता दूं आप लोगों को कि परीक्षा के पॉइंट व्यू से तो आपकी जरूरी है ही ये आर्टिकल, और वैसे भी आपको सामान्य जानकारी के लिए भी मुझे लगता है मालूम होना चाहिए कि आप जब भी तुलना करते हैं चाइना से तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपकी स्थिति कहाँ है, चाइना की स्थिति कहाँ है। आपने देखा है कभी आप लोकतंत्र की स्थिति बात करते हैं तो उसमें आपको मालूम तो होना चाहिए आप कहाँ लोकतंत्र में खड़े हुए हैं, कौन देश टॉप पर है, बाकी देशों की स्थिति क्या है, तभी तो आप तुलना कर सकते हैं। तो देखिए स्टेट पीसीएस हुआ आपका या सिविल सर्विस हो, उसके पीटी में ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं और जब आप आंसर भी लिखते हैं उस समय भी इन आंकड़ों को आप लोग उपयोग कर सकते हैं, और वैसे भी वनडे एग्जाम में आपका क्वेश्चंस बनते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक तरह से। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने 0.352 स्कोर के साथ बहुत खराब प्रदर्शन किया है। क्या किया है? बहुत बुरा प्रदर्शन किया है। आप शिक्षा की स्थिति तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है, और ये इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कोर किया है किन्हें, सरकारी स्कूलों के बच्चों ने। और इसी जगह आप लोग कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, आप लोग यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजते भी नहीं है लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ाई होनी नहीं है, क्या कर लेंगे हमारे बच्चे। तो इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखिए किसी पंचायत की फंडिंग देख रहा था मैं, उसमें आप देखेंगे कि साल में 30 से 40 लाख रुपए लिए गए स्कूलों के लिए, और जब मैंने वहां किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ इसके लिए, रख रखाव के लिए। आप समझ सकते हैं कि ये हालत है हमारे ना पढ़े लिखे होने की। शैक्षणिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल टाइम सीरीज डेटाबेस के एक भाग के रूप में यह ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन जारी करता है, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। फेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एरलागेन, नार्न बर्ग स्कॉलर्स एट रिस्क और बी डैम इंस्टीट्यूट भी इस कार्य में निकट सहयोगी रहे, यानी कि इन ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की इन लोगों ने मदद की है, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट है इन्होंने मदद की है इस रिपोर्ट को बनाने में। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें हम लोग, तो शैक्षणिक स्वतंत्रता का मतलब है कि संकाय के सदस्यों और छात्रों द्वारा आधिकारिक हस्तक्षेप या पितृसोध के डर के बिना बौद्धिक विचार व्यक्त किए जाते हैं। एक तरह से आप कहिए कि आपकी पूछने की जो आप डरते नहीं हैं, एक तरह से आप पूछते रहते हैं टीचर से, आप मित्र की तरह एक तरह भावना रखते हैं, ठीक है। और सरकारी स्कूलों की हालत तो आप जानते हैं कि अगर आप टीचर से बात भी करो तो वो इतना चिल्लाएगा कि आप दोबारा उससे पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है कि उसे भी कम ही आता है। यह सूचकांक दुनिया भर में शैक्षणिक स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है और साथ ही शैक्षणिक स्वतंत्रता में की गई कमी की समझ को बढ़ाता है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक का मूल्यांकन निम्नलिखित 8 घटकों के आधार पर किया जाता है। कहने का ये मतलब है कि 8 घटकों को एक ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को एक तरह से बनाया जाता है। इसमें क्या कौन से हैं? शोध और शिक्षा की स्वतंत्रता, अकादमिक विनिमय और प्रसार की स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता और परिसर अखंडता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा, शैक्षणिक स्वतंत्रता के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रतिबद्धता, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विश्वविद्यालयों का अस्तित्व, ये आपके 8 आधार माने गए, ठीक है। इसी के आधार पर तैयार किया गया सूचकांक में 1, 0 और 1 के बीच स्कोर दिया गया है, और जिसमें आप देखेंगे 1 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है और 0 सबसे बुरी स्थिति को दर्शाता है, ठीक है।
अगर हम टॉप की बात करें, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो 0.971 स्कोर के साथ उरुग्वे और पुर्तगाल शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर रहे। कौन कौन से? उरुग्वे और पुर्तगाल, ये जानते हैं, पुर्तगाल तो आप लोग जानते हैं, पुर्तगाल ही, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे लातविया और जर्मनी भी इसके बाद है, ठीक है, टॉप पर। तो आप लोग इन्हें जो जिनके आधार पर इन्हें बनाया गया उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में बन जाएंगे फैक्ट आपके, या आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तब भी इन्हें उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, प्रीलिम्स में ये भी पूछ सकता है कि टॉप पर कौन रहा है, दूसरे नंबर पर कौन रहा है, इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकता है। सूचकांक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देशों के डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई, नहीं थी इसमें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित 35 देशों के डेटा की रिपोर्ट नहीं थी इसमें, ठीक है। सूचकांक में अगर हम लोग भारत के प्रदर्शन की बात करें, तो 0.352 स्कोर के साथ भारत सऊदी अरब और लीबिया के निकट है, यानी कि हमारी स्थिति सऊदी अरब और लीबिया जो देश है, यानी कि लीबिया तो आप जानते हैं पिछड़ा हुआ देश है, तो इससे हमारी बराबरी कर सकते हैं आप लोग। पिछले 5 वर्षों में भारत के AFI स्कोर में 0.1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, सोमालिया और यूक्रेन जैसे देशों ने भारत से बेहतर स्कोर किया है। कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि पाकिस्तान की स्थिति हमसे बेहतर है, क्या है, हमसे बेहतर है। मलेशिया की स्थिति हमसे बेहतर है, ब्राजील की स्थिति हमसे बेहतर है, सोमालिया यूक्रेन की स्थिति हमसे बेहतर है, हमारी स्थिति किससे? लीबिया से, सऊदी अरब से। अगर इसमें हम लोग भारत के खराब प्रदर्शन के कारण की बात करें कि किस कारण से रहा है, तो भारत ने संस्थागत स्वायत्तता, परिसर की अखंडता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता की संविधानिक सुरक्षा जैसे घटकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। AFI ने फ्री टू थिंक, स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक, फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि भारत में राजनीतिक तनाव के कारण शैक्षणिक स्वतंत्रता में गिरावट हो सकती है। आप लोग मानिए या ना मानिए, कि मैं तो कहता हूं कि देखिए हमारी जो भी आप देखिए शिक्षा जिसे भी दे रहे हैं उस हिसाब से बहुत है। राजनेताओं की शक्ल देखकर आप जिन राजनेताओं को चुन रहे हैं वो जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से काफी है, क्योंकि आप एक बलात्कारी को चुनेंगे, एक आप अगर मर्डर किए हुए व्यक्ति को चुनेंगे, हत्यारे को, एक डकैत को चुनेंगे, तो आप लोग उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? जिस हिसाब से उम्मीद आप करते हैं उससे ज्यादा कर रहा है वो, ठीक है। अगर रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत में राजनीतिक तनाव के कारण छात्रों, सुरक्षा बलों और शैक्षणिक परिसर के छात्र समूहों के बीच हिंसक टकराव हुए तथा शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद विद्यार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अनुशासनात्मक उपाय किए गए हैं। इसमें भारत के लिए अगर हम लोग चुनौतियों की बात करें तो इसमें देखेंगे विद्वानों को स्वतंत्रता, भारत विद्वानों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर अपने जीवन, अध्ययन या फिर पैसे के डर के बिना चर्चा करने के लिए वांछित स्वतंत्रता प्रदान करने में विफल रहा है। कौन? भारत। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करें तो देश के अधिकांश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही मुद्दों पर सरकारों के अवांछित हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। अधिकांश नियुक्तियों में विशेष रूप से शीर्ष पदों के लिए जैसे कुलपति हो गए, कुल सचिव का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया है, यानी कि कहने का मतलब है किसी नेता का अपना ही खास आदमी बैठ जाता है उस पद पर और उनकी सिफारिश से वो बन जाता है। अभी आप देखेंगे उत्तराखंड के किसी शिक्षा मंत्री का बयान सुना था, एक तरफ आप दिल्ली की शिक्षा मंत्री की स्थिति देखिए कितना पढ़ा लिखा है, और कभी उनके भाषण सुनिए, बच्चों से बात करते हुए उन्हें सुनिए, स्कूलों में जाते हुए उन्हें सुनिए, और एक तरफ आप देखिए उत्तराखंड के, उनसे 13 का पहाड़ा पूछा जाता है, 13 का, तो वो कहते हैं मैं प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ कोई, और उन्हें उन्हें नहीं आता है। आप सोचिए आपका राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान आप समझिए ये भी नहीं आता हमें, तो वो क्या आप लोगों को पढ़ाएंगे, यानी कि वो आप लोगों को क्या शिक्षा में ज्ञान देंगे, वो क्या शिक्षा सुधार करेंगे। फिर बात करते हैं भ्रष्ट आचरण, राजनीतिक नियुक्तियां न केवल शैक्षणिक तथा रचनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं
बल्कि लाइसेंसिंग और मान्यता सहित भ्रष्ट प्रथाओं को भी जन्म देती है। विश्वविद्यालयों की नौकरशाही की बात करें तो वर्तमान में कई शैक्षणिक संस्थान और नियामक संस्थाएं केंद्रीय और राज्य स्तरों पर नौकरशाहों की के नेतृत्व में हैं। हर बात करते हैं भाई भतीजावाद, ये तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। राजनीति में देख लीजिए, कई क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में लगभग आपको देखने को मिले। स्टाफ की नियुक्तियों और छात्रों के प्रवेश में पक्षपात तथा भाई भतीजावाद का बोलबाला है। यह शैक्षणिक परिसर के भीतर किराया प्राप्त करने की संस्कृति को दर्शाता है। किराए पर लेने की मांग एक आर्थिक अवधारणा है, जो तब होती है जब कोई संस्था उत्पादकता के किसी भी पारस्परिक योगदान के बिना अतिरिक्त धन प्राप्त करना चाहता है। आमतौर पर यह सरकार द्वारा वित्त पोषित सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के चारों ओर घूमती है। ठीक है, समाधान की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति को लागू करना 2020 से, यानी कि 2020 से जो आपकी नई शिक्षा नीति आई हुई है, इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर नई शिक्षा नीति अगर अच्छे से लागू होती है तो इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या स्थिति रहती है। क्योंकि आज से आप लोग कभी भी देख लीजिए, हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए। आप देखिए, 6% जीडीपी का 6% हमने शिक्षा की बात की थी, लेकिन आज भी हम लोग 2 से 2.5% तक बहुत पहुंच पाए हैं, बहुत से बहुत, समझ रहे हैं। जहां हमें सबसे ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है वहीं हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, एक बच्चे को अगर शिक्षा देते हैं आप लोग, तो आप लोग कहाँ पहुंचा रहे हैं उसे, देश को भी कहाँ पहुंचा रहे हैं आप लोग, आप खुद सोच के रखिए। नई शिक्षा नीति 2020 का दावा है कि यह रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच के सिद्धांतों पर आधारित है, तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को लागू करना जो राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त मुक्त हो, यानी कि फ्री हो। इस नीति में कहा गया कि संकाय की पाठ पुस्तक और पठन सामग्री चयन कार्य और आकलन सहित अनुमोदित ढांचे के भीतर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। यह एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एक मेरिट आधारित और सहकर्मी समीक्षा शोध निधि का गठन करने का भी सुझाव देता है, जिसे सरकार से स्वतंत्र एक रोटेशनल द्वारा बोर्ड द्वारा शासित किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे, शिक्षाविदों को शासन की शक्तियां देकर शिक्षा प्रणाली का भी नौकरशाहीकरण करना है, और यह उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने प्रशासन को बोर्ड को सौंपने के लिए शिक्षाविदों को शामिल करने करके स्वायत्तता देने की बात करता है। फिर देख लेते हैं, विनियामक और शासन सुधार की बात करें तो प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उच्च नियामक शिक्षा नियामकों, जैसे UGC हो गया, AICTE हो गया, NCTE हो गया आदि का पुनर्गठन या विलय किया जा सकता है। विनियामक संरचना को विधायी समर्थन देने के लिए UGC अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाए। पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को प्रदर्शन के आधार पर अनुदान दिया जाना चाहिए। देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ है उसे ही चुना जाना चाहिए। अब आप कहेंगे, देखिए आप लोग यहाँ भी अब राजनीतिकरण करने लगे, और जहां जहां राजनीतिकरण हुआ है वो बर्बाद हुआ है। इसका रिजल्ट आप हर क्षेत्र में देख लीजिए आप लोग। मैं तो कहता हूं, आप में योग्यता है तो आपको बैठाइए ना वहां। योग्यता की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम योग्यता को पसंद ही नहीं करते हैं, हम सिफारिश को पसंद करते हैं। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उन्हें राजनीति से दूर रखकर स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, और उच्च राजनीतिक स्वायत्तता वाली संस्थान जैसे IIT हो गया, IIM हो गया और IISc हो गया अधिक सफल है। उस उच्च शिक्षा नीति निर्माताओं को AFI स्कोर में गिरावट के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 के साथ गठबंधन करते हुए भारत को आगे बढ़ना चाहिए। इससे भारत को एक वैश्विक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने में मदद मिलेगी, और शैक्षणिक स्वतंत्रता एक प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय सवाल पूछने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, और उत्कृष्टता की तलाश में विचारों की खोज करना, मुद्दों पर बहस करना और स्वतंत्र रूप से सोचना आवश्यक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन सी पूछता हूं, आप सोचिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में, कलाम साहब के बारे में आप सभी जानते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बायोग्राफी भी आपकी कवर की हुई थी, इनका जीवन।
तो आप सोचिए अगर उन्हें शिक्षा ना दी जाती तो वो आज कहाँ होते, और शिक्षा मिली तो कहाँ पहुंच गए, आप खुद सोच के देख सकते हैं। शिक्षा बहुत एक तरह से शक्तिशाली है। आप, मैं इसलिए कहता हूं कि आपके पास पैसा है, देखिए आपका जीएस पूरा कवर करवा दिया है, एनसीईआरटी कवर करवा दिए। हाँ ये अलग बात है कि बहुत जल्दी कवर करवाए गए हैं टाइम की वजह से, और कोई नहीं छूटा है, एमपी मध्य प्रदेश एमपीपीएससी लेवल का पूरा समझा दिया गया, और जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आप मैसेज करिए, बता दूंगा मैं, ठीक है, मुझे जहां तक मेरे मेरी तरफ से जहां तक हो सकेगा मदद कर दूंगा। अगर आपके पास फिर भी पैसा है तो आप किसी बच्चे को शिक्षा के लिए दे सकते हैं, उसे आप भी यही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, और आपका इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं, ठीक है।